हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश एनसीईआरटी यूनिट 7 गुलिवर ट्रेवल्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम कर रहे हैं गुलिवर ट्रेवल्स के क्वेश्चन आंसर, जो कि हाफ पार्ट में मैंने पार्ट वन बना दिया है, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगी। और आज हम कर रहे हैं पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे देख लेते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, कंपेयर टू थिंग्स आर पीपल वी ऐड ई आर और मोर टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड। जब हम दो चीज़ों या किसी पर्सन में, दो पर्सन या दो चीज़ों में जब हम कंपेयर करते हैं तो ई आर या मोर वर्ड का यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। तो जब हम दो चीज़ों को उनकी क्वालिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं ई आर और मोर लगा करके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम डिग्री यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ डिग्री में देखिए 3 आपको फॉर्म मिलेंगे, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में जो रूट वर्ड होता है सिंपल वर्ड होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, दिस मैंगो इज़ स्वीट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैंगो क्या है, नाउन है, और इसकी जो क्वालिटी क्या है, ये स्वीट है। ये सिंपल सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव डिग्री में आता है। ओके, कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होगा, दिस मैंगो इज़ स्वीटर दैन अदर फ्रूट। ओके, तो ये अदर फ्रूट, यानी यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा है। देख रहे हैं आप, मैंगो का कंपेयर हो रहा है दूसरे फ्रूट के साथ। आप यहाँ पे गुआवा भी ले सकते हैं, दिस मैंगो इज स्वीटर दैट गुआवा। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ के बीच में कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वीट जो रूट वर्ड था वो अब क्या हो गया है, स्वीटर हो गया, यानी ई आर यूज़ हो गया। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे ई आर वर्ड हमने यूज़ किया, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया था कि जब हम दो चीज़ों या दो पर्सन के बीच में कंपेयर करते हैं तो ई आर और मोर वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच का हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे, व्हेन वी कंपेयर 3 आर मोर थिंग्स अ पीपल वी ऐड ई एस टी आर मोस्ट टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप 3 या 3 से अधिक नंबर, अधिक चीज़ों के बीच में, आप पर्सन के बीच में आप कंपेयर करते हो, तो वहाँ पे क्या आप ऐड करोगे, ई एस टी आर मोस्ट वर्ड यूज़ करोगे डिस्क्राइब करने के लिए उसकी क्वालिटीज़ को। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन द फर्स्ट 2 आर कंपेयर्ड एंड व्हेन ऑल 3 आर कंपेयर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द सेल बोट इज़ फास्ट। देखिए यहाँ पे जो है, जो तीनों चीज़ें क्या है, आपका टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इन तीनों में आप चढ़ोगे जब, तो ये बोट क्या है, ये फास्ट है। ओके, हाँ, लेकिन जब आप कार का यूज़ करते हो जाने के लिए, तो ये कार क्या है, वो बोट से भी क्या होती है, फास्टर होती है। देखिए यहाँ पे सेकंड जो लिखा है, द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट। ओके, अब इन दोनों में कंपेयर हुआ था, लेकिन जब हमको 3 या 3 से अधिक चीज़ों में कंपेयर करना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, ई एस टी, जैसे कि एरोप्लेन में यूज़ किया गया, क्योंकि एरोप्लेन इन दोनों से फास्ट है। तो द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, टारगेट हिट करना है, और कैप जगलिंग है, और यहाँ पे मैजिक ट्रिक्स है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि क्या हार्ड हो सकता है आपके लिए, क्या डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे टारगेट हिट करना है, तो हम टारगेट में भी हिट भी कर लें, बट यहाँ पे जो कैप्स है उसको जगलिंग करना है ऐसे एक के बाद एक, तो कैसे होगा, ये मतलब मोर डिफ़िकल्ट है। ओके, और मैजिक ट्रिक्स उससे भी क्या है, मोस्ट डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए, हीटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, जगलिंग कैप्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन हीटिंग अ टारगेट। ओके, डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम ऑल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव हो गया, ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और ये आपका पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड इजी और स्ट्रांग। तो यहाँ पे देखिए, आपको दो वर्ड दिया गया, इजी और स्ट्रांग। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए, स्किपिंग, तो रस्सी उड़ी खेलना और क्या है, इजी है, और जंपिंग उससे भी इजी है, और वॉकिंग यानी चलना वो सबसे इजी है। तो इसी तरीके से हम इजी वर्ड को तीनों फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। पहले क्या है, स्किपिंग इज़ इजी, ओके फुल स्टॉप। जंपिंग इज़ ईजियर दैन स्किपिंग, ईजियर हो जाएगा, एंड वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल।
देखिए जब हम सुपरलेटिव वर्ड यूज़ करते हैं ईजीएस्ट के आगे क्या लगता है, द लगता है. ओके नेक्स्ट सेकंड देखिए, द डॉग इज स्ट्रांग. ओके डॉग क्या है, स्ट्रांग है. एंड द हॉर्स इज स्ट्रांगर. यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द हॉर्स इज स्ट्रांगर देन द डॉग. ओके और यहाँ पे थर्ड देखिए, द एलिफेंट इज द स्ट्रांगेस्ट. ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रांगेस्ट. नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड जूसी और एक्साइटिंग. द ऑर्डर मे वेरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. तो जिस तरीके से आपकी चॉइस हो आप उस तरीके से ऑर्डर में आप जूसी और एक्साइटिंग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो एप्पल क्या है, जूसी है. एप्पल इज जूसी. ओके एंड ऑरेंज इज ऑरेंज क्या, ऑरेंज में देखिए ज़्यादा जूस होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ऑरेंज इज द जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल. ओके सुगर कैन, सुगर कैन इज जूसियर देन एप्पल. ओके नेक्स्ट, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग का क्या है, एक्साइटिंग होता है. ओके स्कीइंग का मोर एक्साइटिंग एंड रिवर राफ्टिंग मोस्ट एक्साइटिंग. तो यहाँ पे देखिए जो स्कीइंग है ये साइड में आपको पिक्चर दी गई है, जो बॉय है वो स्कीइंग कर रहा है. क्वेश्चन नंबर फोर, करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक दी गई, आपको वहाँ पे करेक्ट करना है. तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेंगे इसे. फर्स्ट वन देखिए, दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफ देम ऑल क्या है, ये तीन से अधिक चीज़ों में कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ पे द भी लगा है. तो यहाँ पे देखिए सिंपलर नहीं होगा, सिंपलेस्ट होगा. हाँ, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल. ये हो गया आपका फर्स्ट. सेकेंड है, विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल. तो यहाँ पे देखिए ये भी सही है, विच इज द लाइटेस्ट. ओके ये भी सही है. ऑफ द देखिए यहाँ पे टू नहीं होगा. ओके यहाँ पे देखिए द लाइटेस्ट यानी सुपरलेटिव फॉर्म है डिग्री का, और यहाँ सुपरलेटिव में क्या होता है, तीन से अधिक चीज़ों में क्या होता है कंपेयर होता है. तो यहाँ पे पार्सल्स है तो यहाँ पे टू क्या होगा, हम रिमूव कर देंगे. थर्ड वन देखिए, ही इज क्लेवर देन आई एम. ही इज क्लेवर ठीक है, देन आई एम, आई एम नहीं होगा यहाँ पे, मी होगा. देखिए दो चीज़ों में जब कंपेयर हो रहा है तो ये ठीक है, बट आई एम नहीं होगा, मी होगा. ही इज क्लेवर देन मी फुल स्टॉप. ओके फोर्थ वन देखिए, आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है वो दो चीज़ों में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे जो सुपरलेटिव जो डिग्री है ये यूज़ नहीं होगी. तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो क्या होगा, दो लोगों में जब कंपेयर होता है तो कॉम्पिटेटिव डिग्री का यूज़ होता है. तो बेस्ट का क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो रूट वर्ड है वो है गुड. ओके गुड है, गुड का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, बेटर. ओके और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बेस्ट. तो यहाँ पे हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है, बेटर. आई लाइक दिस बेटर ऑफ द टू. ओके नाउ लास्ट, द फ्लड बिकम बैडर एज द रेन इंक्रीज्ड. द फ्लड बिकम बैडर, बैडर वर्ड नहीं होता है. ओके यहाँ पे बैडर वर्ड नहीं यूज होगा. यहाँ पे जो देखिए रूट वर्ड क्या होता है, बैड है. ओके इसका क्या होगा, सेकेंड फॉर्म वर्ड्स. ओके क्या होगा, वॉस. और सेकेंड थर्ड फॉर्म होगा वॉस्ट. ओके तो यहाँ पे जो कंपेयर दो चीज़ों में हो रही है, दो इस ईयर और लास्ट ईयर की रेनफॉल में हो रही है कंपेयर, तो यहाँ पे यूज होगा दिस, सॉरी द फ्लड बिकम वॉस एज द रेन इंक्रीज्ड वॉस, ये सेकेंड फॉर्म यूज होगा. ओके क्वेश्चन नंबर फाइव, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप कॉमास क्वेश्चन मार्क एपोस्ट्रॉफी कॉमास एक्सक्लेमेशन मार्क्स व्हेनेवर नेसेसरी. तो यहाँ पे हमें प्रॉपर जगह पे कॉमास कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप यूज करने हैं. तो फर्स्ट देखिए जो स्टार्ट होता है डियर समीर में, डियर समीर में, डियर में पहला जो डी वर्ड होगा कैपिटल लेटर होगा, और समीर देखिए पर्सन का नाम है तो कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर. और फिर यहाँ पे देखिए
आई एम को शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इस तरीके से, आई एम, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे हम आई एम के बीच में। आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट, यहाँ पे देखिए सेंटेंस कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप लगाएंगे। फ्रिस्की इस डॉग का नाम है, साइड में आपको पिक्चर दी गई, तो फ्रिस्की जो नेम है तो यहाँ पे एफ क्या होगा, कैपिटल होगा। इज अ बुल डॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी, फुल स्टॉप। ओके, बाय नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विथ अस ऑन अवर लॉन्ग वॉक्स। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, फुल स्टॉप। आई नो यू विल, देखिए यू विल का शॉर्ट फॉर्म हम कर देंगे यू विल, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज करके, लाइक हिम। ओके, फुल स्टॉप। वॉर्म रिगार्ड, वॉर्म में क्या होगा, डब्ल्यू कैपिटल होगा, रिगार्ड्स, एंड संजू में एस कैपिटल होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप यूज कर लिए। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वेनेसडे माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू ज्वाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस में आपको जो पहला देखिए वर्ड है नेक्स्ट में, एंड क्या होगा, कैपिटल होगा। वेनेसडे नाउ ने यहाँ पे भी देखिए डब्ल्यू कैपिटल होगा। माई सिस्टर मीता, मीता पर्सन का नाम यानी सिस्टर का नाम है इसके, तो ये मीता जो है एम कैपिटल होगा। ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक का नाम है। ओके, तो स्टेट का एस, बैंक का बी, और इंडिया का आई कैपिटल होगा, लास्ट में होगा आपका फुल स्टॉप। ओके, नाउ सेकेंड देखिए, द डॉग वेक्स इट्स टेल व्हेन इट्स प्लीजेंट बट अ कैट वेव्स द टेल व्हेन इट्स एंग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इट्स है वो टू टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पे इट्स की जो मीनिंग है जो टेल के साथ है वो अलग है, और जो प्लीजेंट के साथ है इट्स है उसकी मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे जो प्लीजेंट के साथ है ये होगा आपका इट इज। ओके, तो इट इज होगा ये, और यहाँ पे जो इट्स है जो टेल यहाँ पे शो किया जा रहा है, यहाँ पे ये डॉग की जो टेल है उसके लिए ये इट्स आया है। ओके, सेम यहाँ पे कैट के लिए भी है, कैट वेव्स इट्स टेल, तो यहाँ पे कैट के टेल के ये साथ आया है इट्स, और यहाँ पे जो इट्स एंग्री है तो ये होगा इट इज। ओके, एंड देन लास्ट में फुल स्टॉप। और देखिए, व्हेन आई वेंट फिशिंग आई कॉट एन ओल्ड शू, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड। तो यहाँ पे जो है व्हेन का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। आई वेंट फिशिंग आई कॉट एंड ओल्ड शू कॉमा, ओके, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट फोर्थ, सी फेड द बेबी, वॉश द डिशेस, पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शी का जो है पहला लेटर एस कैपिटल हो जाएगा, फेड द बेबी, ओके, कॉमा, वॉश द डिशेस, कॉमा, पुट द लाइट ऑफ एंड वेंट टू स्लीप, फुल स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट, वॉज नॉट टेम बॉर्न ऑन द 26th of January 1989। तो यहाँ पे जो वॉज नॉट है यानी वॉज का जो पहला लेटर डब्ल्यू है वो कैपिटल हो जाएगा, टिम पर्सन का नाम है तो टी कैपिटल हो जाएगा, बॉर्न ऑन द 26th January मंथ का नेम है तो जे कैपिटल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ओके, लास्ट देखिए, ओ नो द बस हैज़ गॉन। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन यहाँ पे शो हो रहा है ओ, तो कॉमा हो जाएगा, नो एक्सक्लेमेटरी सिंबल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, द क्या हो जाएगा, द में टी कैपिटल हो जाएगा, बस हैज़ गॉन एंड फुल स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन देखिए, अ जायंट ट्री, रेड वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, अ जायंट बर्ड ऑस्ट्रिच, अ जायंट लैंड एनिमल एलिफेंट, अ जायंट वाटर क्रिएचर व्हेल, अ जायंट रेप्टाइल क्रोकोडाइल, अ जायंट एरोप्लेन एयरबस A380। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग, यू वॉक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योर सेल्फ इन द लैंड ऑफ डॉव्स। तो यहाँ पे आपको देखिए क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आप एक मॉर्निंग एक सुबह उठते हो जहाँ अपने आपको आप पाते हो कि आप ऐसे लैंड पे एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे डॉव्स यानी कि छोटे आकार के इंसान रहते हो, डॉव। आई राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस देयर एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली, यू मे बिगिन लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको एक पैराग्राफ लिखना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे और आप वापस घर कैसे आए।
एवरी अराउंड मी लुक डिफरेंट, आपको बिगनिंग करके दे दी गई है सेंटेंस, आपका फर्स्ट जो लाइन है आपको दे दिया गया है, इसी वे पे आपको, इसी बेस पे आपको आगे के पैराग्राफ कंप्लीट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ दे देती हूँ, आप देख लीजिए। एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट, मैन एंड वुमन वर सो टाइनी फुस्टॉप एंड चिल्ड्रन दे अपियर्ड एज इफ दे वेयर बिग डॉट्स ऑन द ग्राउंड, ऑल द हाउसेज वेयर ओनली वन एंड अ हाफ फीट हाई, द डिशेज इन विच दीज टॉप पीपल एट वेयर 2 or 3 inches इन डायमीटर, I had never had such experiences in my life. I was surprised to see them all, but equally happy to find that these dwarfs people were so kind to me. They helped me go back home. Okay, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पैराग्राफ लिख लेंगे। नीचे आपको देखिए जोक दिया हुआ है। What did the monster eat after the dentist pulled its tooth? तो यहाँ पे अगर मॉन्स्टर का जो दांत है वो डेंटिस्ट निकाल दे तो जो मॉन्स्टर है वो क्या खाएगा, तो आंसर में क्या है, द डेंटिस्ट। ये जोक था। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के साथ हम आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 8 के लेसन्स को। ओके, टिल देन बाय बाय।